रुकिए रुकिए, ये वीडियो पूरा देख के जाना, क्योंकि ये वीडियो ये ऐसा कैसा है, कोई वीडियो नहीं, ये वीडियो किसी माँ का लिया है, जो माँ जो अपने बच्चे के लिए एक पल के लिए खाना नहीं खाता तो कितना दुख होता है, ये माँ इतना ज़्यादा बीमार है ना। तो ये वीडियो पूरा ही देख के जाना, और मैं ये वीडियो हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, और ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ ज़रूर मदद करना। ये बीबी जहीरन को मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये वीडियो पूरा पूरा देख के जाना। आप रोइए मत, जहाँ तो होगा ज़रूर हम लोग हेल्प करवाएंगे। सुनो, कैंसर हो गया है मेरा, ट्यूमर का जो इसने ऑपरेशन करवाया था, बहुत ही मतलब इसका घर में इतना ज़्यादा। आप लोग इसका अकाउंट नंबर हम देंगे, आप लोग से जो भी बन सके, 5-10 जो भी बनेगा आप लोग ज़रूर दीजिएगा, कुछ हमारा मदद कीजिए। तो बोलिए किस लिए हमको बुलाए आप? बुलाएं कि बीमारी हमारा हो गया है, इसी वजह से हेल्प कर दीजिए हमको। और क्या, डॉक्टर तो बहुत हैवी दिखा रहा है, क्योंकि घर का स्थिति देखो, कंडीशन इसका इतना ज़्यादा अभी ख़राब हो चुका है ना। और कितना बाल बच्चा आपको? 4 बाल बच्चा है, 3 लड़का है, 1 लड़की है, जवान लड़की है। उसका अभी शादी करना है अभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मुझे जानते हो कि ऐसा कभी फील्ड पे आके कभी वीडियो बनाया नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम है। अगर मुझे से कोई गलती हो गया या बोलने में कुछ गलती होगा तो क्षमा मांगना, क्योंकि मुझे इस टाइम में मोथावड़ी पंचायत जो बांका ज़िला में ये बस्ती पड़ता है, छोटा सा ही बस्ती है, दिखा सकता हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे आना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरा जो इधर कासिम भाई है, इसके साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है, इसका घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है। इसका घर देख सकते हो, यही है घर, यही है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा इसके घर में परेशानी है। तो चलते हैं वहीं पे घर पे, और घर पे ही दिखाते हैं जो भी परेशानी है। आप लोग ये रहा इसका घर, और घर में इसका ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हालत ख़राब है ना, कई दिन से चूल्हा भी नहीं जल रहा, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। कासिम भाई बताएगा क्यों हमको एक दिन से फ़ोन कॉल से कर ही जा रहा था कि आइए आइए, आप लोग कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारा मदद कीजिए। तो बोलिए किस लिए हमको बुलाएँ आप? बुलाएँ कि बीमारी हमारा हो गया है, इसी वजह से हेल्प कर दीजिए हमको। और क्या मतलब, बहुत ही इसका घर का कंडीशन भी देख सो, बहुत ही हालत ख़राब है। इधर आइए थोड़ा अंदर, बारिश में पानी छू रहा है पूरा, पूरा परेशानी भी है, और कई दिन से इनको घर में मतलब चूल्हा वाला भी मतलब खाने पीने में। तो इधर दिखाइए थोड़ा, इसका कंडीशन देख सकते हो, और इसका सब करवाए थे ना सीटी स्कैन वगैरह, सब करवाए। लाइए थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए, ये इसका सीटी स्कैन भी हुआ है, तो और ये भी किया, मतलब बहुत ही इसका घर में, अल्लाह ऐसा किसी को घर में ना हो, मतलब इसका घर में इतना ज़्यादा कनेक्शन ख़राब हो रहा है, इतना बड़ा दम। आप रोइए मत, जहाँ तो होगा ज़रूर हम लोग हेल्प करवाएंगे। ये सब देख सकते हो कि 5 से ज़्यादा इसका घर में मतलब परेशानी है। पहले क्या हुआ था, ट्यूमर का प्रॉब्लम था ना? हाँ, ट्यूमर का इसने ऑपरेशन करवाया, और इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसके वजह से हम लोग को आना पड़ा, और डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन लिख दिया, क्योंकि इसको ना कैंसर हो गया है मेरा, ट्यूमर का जो इसने ऑपरेशन करवाया था, बहुत ही मतलब इसका घर में इतना ज़्यादा। आप लोग इसका अकाउंट नंबर हम देंगे, आप लोग से जो भी बन सके, 5-10 जो भी बनेगा आप लोग ज़रूर दीजिएगा, और हम पूरा PDF फाइल डाल देंगे। और आप लोग भी अगर यहाँ पे आके कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा मोथावड़ी पंचायत, जो बांका ज़िला में पड़ता है ये। बैठिए बैठिए बैठिए, देखिए ये भागलपुर में, भागलपुर में। हाँ,
भागलपुर में किस डॉक्टर के पास दिखाया था? ये विजय प्रसाद डॉक्टर तो बहुत हैवी दिखा रहे, क्योंकि घर का स्थिति देखो, कंडीशन इसका इतना ज़्यादा अभी ख़राब हो चुका है ना। और कितना बाल बच्चा आपको? चार बाल बच्चा है, 3 लड़का है, 1 लड़की है, जवान लड़की है। उसका भी शादी करना है अभी, मतलब इतना ज़्यादा स्थिति खराब क्या होते हैं। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अनाथ होने से बचाइएगा, क्योंकि देखो सब घर में ये बड़ा वाला है। कितने लोग होते हैं? बुइयो तो नहीं रहा, उसमें यालों की बुइयो पर आ बोले ना यावेन करे से बहुत ही दिक्कत उसका घर में है ना, दिक्कत। हाँ हालत किसी का बोली भी नहीं कर रहा, और कोई भी क्या बोले। हम लोग इतना देहात में ही रहते हैं ना, ना हॉस्पिटल का साधन ना और कुछ साधन, और जिसके ये दिखा रहा है इतना हैवी हैवी डॉक्टर, तो इसका स्थिति है नहीं जो करवा सकता है, या आप ही लोग का हाथ में है। जो आगे वीडियो शेयर कीजिएगा ज़रूर आप लोग, या कल देखिए जैसे 1-2 दिन में त्यौहार भी, हम लोग कितना बड़ा त्यौहार है, किसी का घर में खुशी और किसी का घर में गम, तो इसके वजह से हम लोग को क्या बताएं, आना ही पड़ा। और ये बार बार आने का कोई दिक्कत, बच्चा है वो गया है इधर उधर घूमने के लिए। तो आप लोग यही है कि क्या आप चाहते हैं मदद के लिए? हम मदद के लिए, तो इनको जरूर मदद कीजिएगा। थोड़ा पासबुक वगैरह है इसका, ये आपका पासबुक? नहीं इसका पासबुक है, नहीं तो ये उठाएगा कैसे पैसा, दिक्कत हो जाएगा ना। आपका है कुछ? हमारा है वही ग्रामीण वाला है, तो जो भी है, या नहीं तो मैं अपना डाल दूंगा फोन पे नंबर, गूगल पे या स्कैनर में डाल दूंगा, जो भी हो सके। आप लोग से कोई भी नहीं है जो कुछ ज़्यादा, जो भी आपसे बने 5-10-1-2 रुपया और नहीं कुछ कर सकते, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, या शेयर जब तक नहीं कीजिएगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसका स्थिति मतलब इतना ज़्यादा अभी ख़राब है। लाइए थोड़ा खाता वगैरह लाइए दिखा, और इधर थोड़ा रिपोर्ट वगैरह सब बढ़िया से जूम जूम करके और दिखा दो, शुरू से दिखा दीजिए कहाँ से कहाँ। ये देखिए, ये मतलब इसने थोड़ा लोकल डॉक्टर को दिखा दिया ना, इसके वजह से थोड़ा ऑपरेशन इसका सक्सेसफुल ना। हालत ही वही है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं नहीं बढ़िया डॉक्टर है, नहीं और कुछ है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये देख सकते हो इसका जो खाता है यूको बैंक का, कासिम अंसारी, इसका अकाउंट नंबर है 0894321307419। इसका FC कोड है UCBA40894। कासिम अंसारी, आप लोग से जितना भी बन सके, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 1000-2000, आपसे 5 रुपये बन रहे तो 5 रुपये डालिएगा, आपसे 5000 बन रहे तो 5000 भी डालिएगा, 1 रुपया बन रहा है 1 रुपया, जरूर आप लोग इसको तत्काल में सेवा करें, क्योंकि इसको। और जो भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो मैं बता रहा हूँ, ये एड्रेस ये बांका जिला मोथावाड़ी पंचायत प्रखंड कटरिया थाना कटरिया और जिला बांका पड़ता है, तो ज़रूर आप लोग आके इसका जाँच भी कर सकते हो। ऐसे कोई नहीं है जो हम लोग फेक वीडियो बना रहे, इसके घर में सच में इसको हेल्प का जरूरी है। और आप लोग बहुत बहुत ही दिक्कत है, मतलब आप लोग एक गुटखा खाते हो ना 5-10 रुपए गुटखा खा के उड़ा देते हो, मगर इस भाई के लिए, कासिम भाई के लिए आप लोग जितना भी हो सके 5-10 रुपए जरूर इसका हेल्प कीजिएगा, क्योंकि बहुत ये मदद करने का लायक है। क्योंकि बीमारी कोई बड़ा छोटा देख के नहीं, किसी का घर में भी आ सकता है। और कुछ बोलने चाहोगे? बोलेंगे सर, हम लोग तो हेल्प करवाइए, हेल्प जरूर कीजिए, क्योंकि इतना रिक्वेस्ट हम लोग भी आज तक हेल्प कर दीजिए हमको। ठीक है, ऐसा जरूर है, आप लोग भी जितना भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर देना, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे पास जरूर कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं फिर, चलते हैं, वहाँ मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए।